किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की सितंबर में जो बुआई करते हैं, अगस्त में और सितंबर में, चूँकि महीना आने वाला है, इसमें सह फसली खेती की जा सकती है। चाहे रिंग पिट विधि से आप बोएं या ट्रेंच विधि से बोएं, बशर्ते कि अगर ट्रेंच विधि से आप बोते हैं तो 5 फिट की दूरी हो लाइन से लाइन की, और जो रिंग पिट से बोते हैं इसमें भी दूरी जो पिट के सेंटर से सेंटर की दूरी है वो 6 फिट हो। ऐसे प्लाट में सह फसली खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। एक और दूसरा तरीका है कि गन्ने की दो लाइनें डबल लाइनें बोई जाएं और उसके बाद 8 फिट की दूरी छोड़ी जाए ताकि सह फसली पूरी साल ली जा सकें। ये हमारे किसान अनुज जयसिंह जी हैं, इन्होंने ट्रेंच विधि से 5 फिट की दूरी पर गन्ना लगाया था और इस खेत में 3 बार जो सह फसली खेती है गन्ने के साथ की गई है। सितंबर में पिछले साल लगाया था। 3 बार कैसे लगाया है? पहली बार इन्होंने पत्ता गोभी किस्म की खेती की थी, उसके बाद प्याज लगाया था और इस समय इसमें धनिया इनके द्वारा लगाई जा रही है, क्योंकि धनिया गन्ने के नीचे हो जाती है। लेकिन इसको लगाने के लिए ज़रूरी है कि गन्ने की बधाई हो जाए और जो अगल बगल की दो लाइनें हैं इनको आपस में मिला करके क्रिस क्रॉस बंधाई की जाए। पहले सिंगल क्लंप को बांधा जाए, एक क्लंप को बांधा जाए, उसके बाद क्रिस क्रॉस बंधाई कर दी जाए ताकि जो गन्ने की पत्तियां हैं वह एक लाइन गन्ने की पूरी छोड़ दें। और फिर इसमें आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करके, चाहे पावर टिलर से या छोटे ट्रैक्टर से करके, और फिर इसमें धनिया लगा सकते हैं। धनिया में ये फ़ायदा है कि अगर अभी आप सितंबर में लगाते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, और गन्ना चूँकि ट्रेंच विधि से रहता है, जगह काफ़ी ऊंची होती है, तो इसमें धनिया ख़राब भी नहीं होती, साइड में हो जाती है, थोड़ी छाया में भी धनिया हो जाती है। और जब तक गन्ने की हार्वेस्टिंग आप करते हैं अक्टूबर नवंबर में, तब तक इसको आप मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं। गन्ने में और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको आप पूरे सीजन ले सकते हैं? सीड लविंग प्लांट, यानी जो छाया को थोड़ा सा पसंद करते हैं पौधे, नाइट शेड प्लांट जिनको हम कहते हैं, जैसे हरी मिर्च। हरी मिर्च को अगर गन्ने में लगाया जाए तो चाहे स्प्रिंग का सीज़न हो चाहे रेन सीजन हो, सभी में हरी मिर्च तैयार होती रहती है। अभी हमारे किसान गोंडा जनपद के हैं, उनके द्वारा भी हरी मिर्च लगाई गई है रिंग पिट मेथड के प्लाट में, वो लगी हुई है, उसको अभी सेल किया जा रहा है। हरी मिर्च के अलावा बैंगन लगाया जा सकता है। बैंगन में भी ये फ़ायदा है कि काफ़ी दिनों तक बड़े गन्ने में भी होता रहता है। इसके अलावा अदरक की खेती और हल्दी की खेती भी गन्ने में की जा सकती है। जून जुलाई में अगर आप अदरक गन्ने में लगा दें तो निश्चित तौर से इसमें बहुत अच्छी आपकी अदरक होगी और साथ में गन्ने पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, गन्ने की खेती अगर आप अकेले करते हैं तो 1 साल के लिए आपकी पूंजी कम से कम फंसती है, और अगर भुगतान चीनी मिलें देर से करती हैं तो और ज़्यादा दिनों तक आपका पैसा रुका रहता है। तो बीच में आपको पैसा मिलता रहे, रेगुलर इनकम होती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि गन्ने की जो लाइन से लाइन की दूरी है, जो मैंने भी बताई, ये 5 फिट की दूरी कम से कम कर लें और पूरे वर्ष कोई ना कोई सह फसली खेती करते रहें। लेकिन ये ऐसे किसान भाई हमारे कर सकते हैं जो स्वयं अपनी खेती देखते हैं। अगर आप इसको केवल लेबर के सहारे करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है, और ऐसे खेतों की मॉनिटरिंग आपको पर डे यानी प्रतिदिन करनी पड़ेगी। जैसे अगर हरी मिर्च की आप खेती करते हैं तो उसकी जो तुड़ाई है और मार्केट को भेजने का काम है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से बैंगन की खेती करते हैं, हरी धनिया की खेती करते हैं, अदरक की खेती अगर करते हैं तो अदरक एक बार आप लगा देंगे, उसके बाद वो इकट्ठा उसकी खुदाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिंचाई का मेथड आप बढ़िया कर लें, ड्रिप से सिंचाई करें, जो हमारे किसान अनुज जयसिंह हैं, इन्होंने पूरा अपना जो सिंचाई का इरिगेशन का जो मेथड है वो ड्रिप से कर रखा है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि ड्रिप की जो लाइन्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जैसी आवश्यकता हो सह फसली खेती की, उसके लिए भी और गन्ने के लिए भी।
ड्रिप सिंचाई से अगर सिंचाई करते हैं तो पानी की बचत होने के साथ साथ में जड़ों का विकास बेहतर होता है और फसल की जो क्वालिटी, चाहे वो इंटरक्रॉप हो चाहे गन्ना हो, वो बेहतर होती है। किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी सा फसली खेती करनी है तो सितंबर में तैयारी करें या अक्टूबर सेकेंड वीक तक गन्ने को लगाने की तैयारी कर लें और अभी से गहरी जुताई करें। ये देखिए अनुज जय सिंह जी का प्लाट है, इसमें इन्होंने जो भी पीछे मैंने वीडियो में दिखाया, पहले उन्होंने पत्ता गोभी लगा रखी थी और जो सिंचाई का मेथड है वो ड्रिप मेथड से सिंचाई किया, आलू इसमें लगाया हुआ था, अभी इन्होंने फिर बाद में प्याज लगाया, प्याज लगाने के बाद अभी हरी धनिया की खेती इसमें इसी खेत में करने जा रहे हैं। तो 5 फीट की दूरी पर गन्ना लगाएं सितंबर के महीने में और इसमें रबी के जो सीज़न में जैसे आलू है, मूली है, धनिया है, शलजम है, मटर है, चना है, चना वैसे ना लगाएं, गन्ने में ज़्यादा बेहतर रहता है, तो इसकी खेती आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। गन्ने की बढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अगर आपको सह फसली खेती गन्ने में करनी है तो बगैर गन्ने की बंधाई के और क्रॉपिंग के आप इसको नहीं कर सकते हैं। गन्ने को सीधा भी नहीं खड़ा रखना है, अगर सब फसली खेती लेनी तो झुका के इसको रखना है ताकि बीच की जो रो है, इंटर रो स्पेस, वह पूरी तरीके से खाली रहे। इसको मैकेनाइज्ड करना है, हाथ से नहीं करना है। 5 फीट की दूरी आप करेंगे तो छोटे ट्रैक्टर से आप कर सकते हैं और छोटे ट्रैक्टर से या पावर टिलर से आसानी से कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।